नमः शिवाय महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कबन्निं त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं। सही पञ्चवक्त्र त्रिनेत्र आशुतोष मंगलमय भगवान शिव हेउचन्ति सदानंदमय। आज हे भक्त मंडली, आमर अर्गस टेलीविजन तरफ रो जो त्रिनयन कार्यक्रम होउची, सही प्रसंग रे आजीर प्रसंग रहिची उपनिषद रे शिव तत्व। उपनिषद होउची आनंदर एक उत्स, प्रत्येक व्यक्ति पाई उपनिषद रा अध्ययन रे जहां मिलिथाय ता होउची आनंद। सेथि पाई जने विशिष्ट दार्शनिक शोपेनहावर कहितिले जे उपनिषद होउची एकमात्र शास्त्र जहां मोर जीवन एवं मृत्यु रा आशा एवं आश्वासना एवं सांत्वना हेछि। उपनिषद रा अर्थ होउची वेद, वेदांत रे वेद रे जहां किछि लेखा जायछि तार निर्जास जो शास्त्र रे थाए, एवं याको पाठ करिबा पई येउची ज्ञानकांड। समस्त ज्ञान रा गंताघर होउची उपनिषद। उपनिषद अर्थात गुरुंकर निकटरे पाद निकटरे बसिकिरी जो ज्ञान को आहरण करा जाय थाए से होचे ब्रह्म ज्ञान। द्वे विद्ये वेदितव्ये, दुईटे विद्या प्रत्येक मनुष्यर पूर्णांग विद्या अध्ययन पाई दुईटे विद्यार आवश्यकता अछि। गोटे होचे परा, गोटे होचे अपरा। परा विद्या होचे से ब्रह्म विद्या, अपरा विद्या होचे आमे जहां विश्वविद्यालय बा महाविद्यालय रे पढ़ुचु, पाठ्यक्रम माध्यम रे पढ़ुचु। इतिहास, भूगोल, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा शास्त्र, आईन विद्या, ए सबू होची अपरा विद्या। किंतु से परा विद्या होची से होची से ही परम ब्रह्म विद्या, ब्रह्म तत्व जहाँ द्वारा कि आत्मतत्व अवबोध होइथाय। तेणु आमर जो शिक्षा पद्धति ये जीवन एवं जीविका, ये होची पाठ्यक्रम, ता सहित होची जीवन को बुझिबा पई जो तत्व, ये उभयर समांतराल गति रे आमर शिक्षा अनुष्ठान रे ता अग्रगति करि चलि थाए। ये होची शिव तत्व को आमे जे पर्यंत न जानिचे शिक्षा रे आध्यात्मिकता र समन्वय जो परिकल्पना आमे करूचे, जो नीति रीति निर्धारण करूचे, ताहा आमे करि परिबा नाही, ता संपन्न हेइ परिबा नाही। तेणु उपनिषद होची जेभली भाव रे गोटे गुरुकुल पद्धति रे शिक्षा दिया जाए समस्तंकु। कन्वोकेशन जेतेबेले दीक्षांत समारोह होउची सेतेबेले कहउचंती जे तुमे एया या करिबो, सबु विद्या तुमको मु देइ देली, शास्त्र विद्या देली, शास्त्र विद्या देली, तुमको तत्व विद्या देली, दक्षतार विद्या मध्य देली। तुमे जाओ पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, एवं तुमे प्रजातंतु मा व्यवस्थेच्छि इत्यादि श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम विभिन्न प्रकार। तेणु से ही उपनिषद, से उपनिषद होची शिव तत्व द्वारा संपूर्ण भाव रे परिवृंगित विभूषित, से होचंति आनंदमय। तेणु से आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंद विग्रह शिव तत्व से उपनिषद रे जे भली भाव रे। उपनिषद केते उपनिषद, 108 उपनिषद अछि, किंतु ता मध्यरु ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, श्वेता श्वेतर विभिन्न, एवं शिव उपनिषद मध्य गोटे रही। 10 गोटे उपनिषद होचे ट्रेन प्रिंसिपल्स उपनिषद, 10 प्रिंसिपल्स उपनिषद, 10टा मुख्य उपनिषद, एवं 10टा मुख्य उपनिषद र जो प्रथम उपनिषद होचे ईश उपनिषद। सेथिरे आमे पूर्वरु सूचना देइतुलु प्रथम मंत्र रे से शिवंक तत्व उपरे व्याख्यान करी कहुचंती, ईशावास्यमिदं सर्वं जत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्यस्मिद्धनम्। अर्थात ईश होउची एकमात्र तत्व, शिव होउची एकमात्र तत्व, जेउ तत्व द्वारा ये समग्र भूमंडल, ये समग्र विश्व ब्रह्मांड परिव्याप्त होइकिरि रहिछि।
ईशावास्यमिदं सर्वं जत किंच जगत्याम जगत मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव तेन त्यक्तेन भुंजिथा। तेणु शिव होउचंती आमर आदर्श, तांक परिवार होउचंती आमर आदर्श, शिव होउचंती आमर ज्ञानर आदर्श, जीवनचर्यार आदर्श, आमर आचार विचार व्यवहार कार्यकलापर से आदर्श। से त्यक्तेन भुंजिता से भोग करुचंती, समग्र विश्वर जड़े सम्राट भावरे से सब उपभोग करुचंती, किंतु त्यक्तेन सब छाड़ी देइचंती। कोउठी कहि परिबेनि तांकर ठिकणा, कोउठी केहि कहि परिबे नाही। से कौन धारण करिचंती, केतेबेले दिगंबर त केतेबेले स्मशान रे जाइचंती, केतेबेले प्रासाद रे रहिचंती, सब जगार तांकर विचरण। तेणु सी होउचंती सेई उपनिषदर जेतेबेले प्रार्थना करा जाउछि शिव तत्व को कि सुंदर भावरे, जहाँ ब्रह्म तत्व पाई संपूर्ण भावरे प्रजोज्य। अचिंतम अव्यक्तम अनंत रूपम अचिंत्यम, से अचिंत्य चिंता करी हम ना, अनंतम से होउचंती अनंत रूप, से अव्यक्त रूप, शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म जोनिम, ब्रह्मर से होउचंती उत्पत्ति स्थल, से होउचंती ब्रह्म। एवं तमादि मध्यांत विहीनमेकं विभुं चिदानंद रूपम अद्भुतम। ऐतरीय उपनिषद रे जेतेबेले प्रश्न करुचंती जे कोयम आत्मा इति वयम उपास्महे, उत्तर दौचंती गुरुदेव, से होउचंती ब्रह्म। ना किंतत ब्रह्म ना शिव तत्त्वमेव ब्रह्म, जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तदेव परमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंज्ञकम्। जहाँ को वाक्य वांग मनस गोचर जीए से होउचि शिव संज्ञक ब्रह्म। तई से ब्रह्म विषय रे तुमको आज मु अध्यापन करेबी, तुमको आज मु पढ़ेबी। हे भक्त मंडली, आज यही उपनिषदर से जो गुढ़ तत्व, शिव तत्व, मंगलमय तत्व, जगत कल्याणकर तत्व, ए विषय रे वर्णना आमर जारी रहिबो। वर्तमान गोटे छोटिया विरत ब्रेक परे पुनः स्वागत। भक्त मंडली, उपनिषद रे जो शिव तत्वर कथा आम आलोचना करथिलु, विशेष करी स्वताश्वेतर उपनिषद रे खूब सुंदर भाव रे शिव को परम ब्रह्म भाव रे उपस्थापन करा जाय, वर्णना करा जाय छि। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्येकं परिवेष्टितारम इसम ज्ञात्वा अमृता भवन्ते। से ही स परम तत्व शिवंकु जे होचंति विश्वस्य परिवेष्टितारम, जे समग्र विश्व को व्यापक, विश्व को व्यापिकी रहिचंति, परिवेष्टित करी रहिचंति, से होउचंती शिव तत्व। एवं जहाँ को जानिले, जो शिव को हृदयंगम करिले, मनीष अमृता भवंती, मनीष माने समस्ते अमृतर संतान हो जाते, मनीष स्वयं शिव हो जाए, जीव शिव ही जीवापी, केवल शिव तत्वर ज्ञानर आवश्यकता रही। तेणु आचार्य शंकर कहते, जेतेबेले तांकर आत्मबोध हेउची, जेतेबेले से निज को बुझी पारुचंती, सेतेबेले कहउचंती मु सामान्य मनीष नुहे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिरे न तेजो न वायु। मु किछे नुहे, मु मन नुहे, बुद्धि नुहे, चित्त नुहे, अहंकार नुहे, तेज नुहे, वायु नुहे, पृथ्वी नुहे, अप नुहे, किछे मु नुहे। ताले मु होउछि कण, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिरे न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मु होउचि सेई सच्चिदानंद रूप, जहाँ प्रथम रे आमे कहुतुलु सदानंद रूप, से होउचंती शिव शिव शिव, मुहे केवल शिव शिव शिव, प्रत्येक जीव ही शिव। एवं सेई कथा कहउचंती अहम निर्विकल्प निराकार रूप विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्वम न मुक्तिर्न बंध, सबुठारे सब समानता, जाति धर्म वर्ण नमे जाति भेद कौनसी नाही, शिव तत्व रे जाति भेद नाही, शिव तत्व रे कौनसी सीमा सरहद नथाय, शिव तत्व रे सांप्रदायिक भावना नथाय, शिव होउची सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व बृहत तत्व परम ब्रह्म तत्व। एकोहम रुद्र न द्वितीयः, गोटिया होउची मु रुद्र, गोटिया होउची मु शिव,
आउ द्वितीय केहि नाहंती सेई गोटिए रुद्र तत्व शिव तत्व सद विप्रा बहुधा बदंती ताहि बहु रूप रे धारण करिचंती रूप जयमान लोकानि सते जे समग्र लोक स्वर्ग मर्त्य पाताल अतल वितल सुतल रसातल तलातल चतुर्दश ब्रह्मांड को ईशते शासन करुचंती जने सुशासक भाव रे एवं सुशासक एथि पाई हेचंती तेन त्यक्तेन भुंजिता विश्वर सम्राट हेचंती किंतु त्याग माध्यम रे से भोग करुचंती ताहि भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति भोग को केबे हेले भोगर परिपंथी नुए भोग को कौनसी क्षेत्र रे प्रत्याख्यान करी नाही किंतु जो भोग हब से वैराग्य को आधार करी से त्याग को आधार करी जहार निदर्शन हेउचंती ज्वलंत दृष्टांत हेउचंती आसुतु स मंगलमय कल्याणकारी शिव तेणु अमृताक्षर ब्रह्म पुराण रे सब जगह रे कह जाइछि जे सी आउचंती ब्रह्म से श्वेता श्वेता उपनिषद रे पुणी कह जाउछि जे अमृताक्षर हर हर हेउचंती शिव हेउचंती से अमृत एवं अक्षर तांकर मृत्यु नाही तांकर अच्छेद्ययम अदायोयम अचिंत्य से अचिंत्य अदाय से हेउचंती अशोष्य से हेउचंती अपरिकल्पनीय अवांग मनस गोचर तत्व सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमने करूपम विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमैति जेतेबेले सेही शिव को जेतेबेले जे ज्ञान करिवे शांतिम शेष शांतिर से अधिकारी हेताय प्राप्त हेताय से औचंती सूक्ष्माति सूक्ष्म अणोरणीयान महतो महियान अति सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व शिव तत्व विश्वस्य स्रष्टारम अनेक रूपम से विश्वर होती स्रष्टा से होती अनेक रूप पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संज्ञान विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम से गोटे तत्व जे समग्र विश्व को परिवेष्टित करिकि रहिचंती परिव्याप्त करि रहिचंती सर्वव्यापक सही शिव जहाँकि से प्रमाणित हो जाइछि एवं से उपनिषद रे स्पष्ट भाव रे वर्णना करा जाउछि तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम ईश्वराणाम परमम समस्त ईश्वर मानक मध्य रे जे श्रेष्ठ से होचंती महेश्वर तं देवतानाम परमम च दैवतम समस्त देवता मानक मध्य रे जे होचंती श्रेष्ठ देवता पतिम पतीनाम परमम परस्तात समस्त पति मानक मध्य रे जे होचंती पति विदाम देवम भुवनेश मिड्यम से भुवनेश त्रिभुवन रईस से होचंती सेई प्रभु शिव एवं जहाँ को कैवल्य उपनिषद रे मध्य खूब सुंदर भाव रे वर्णना करा दैछि उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम उमा सहायम आमे सूचना देइथिलु जे से होचंती अर्धनारीश्वर सबुबले से उमांक सहित पार्वतीक सहित से रही थार अर्ध अंग होची नारी अर्ध अंग होची शक्ति अर्ध अंग होची माने शक्ति आउ अर्ध अंग होची शिव पुरुष पुरुष एवं नारीर समन्वय होचंती शिव एवं से तेणु तांको कहा जाए जे अर्ध नारीश्वर उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम से होती प्रशांत जमी अतल सगर मध्य अतल सगर जब निश्चल ठीक से भाव एवं ताही से होती सर्वव्यापक तेणु पुणी कैवल्य उपनिषद कहुची जो जो निम अधितिष्ठत्येको जस्मिन् निदम संच विचेति सर्वम तम ईशानम वरदम देवमिड्यम निचाज्य चेमाम शांतिमत्ये तमेति ये श्वेता श्वेतर उपनिषद कैवल्य उपनिषदर कथा आम पूर्व सूचना दौलु श्वेता श्वेतर ताई सर्प तत्व को जे जाणी था सर्वव्यापी भगवान तस्मात सर्वगत शिव से होती सर्वव्यापी भगवान से सर्वगत से होती स्थानु तेणु ये होती शिव भक्त मंडली आज यही जो उपनिषद रे जो शिव तत्व ये हूँ ज्ञान कांड जो शिव को आविर्भाव करने मूलाधार चक्रस्त जो शक्ति कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र रे जो तत्व दे परम तत्व से होती शिव उपवेशन कर मिलन अर्ध नारीश्वर शक्ति शिवंकर मिलन समस्त साधक जोगी मुनि ऋषि माने प्रार्थना करती उपनिषद रे एक कथा जो
तात्विक कथा वर्णना करा जाइछि। ए वर्णना जारी रहिबो वर्तमान गोटिए छोटिया विरति। विरति परे आपण मानको स्वागत। आपण सुनुथिले उपनिषद रे शिव तत्वर कथा। शिव उपनिषद एव शिवंकर नामरे गोटिए उपनिषद रहिछि जेउठी की शिव तत्व विषय रे विस्तृत भाव रे वर्णना करा जाइछि। सेठी गोटिया कथा कह जे नाम संकीर्तना देव शिवस्य आशेष पातक। शिवंकर खाली नाम संकीर्तन करिले शिव 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 मंगलमय समस्त मंगलमय भावना समस्त सुचिंतन मन को आसी थाए। पृथ्वी मातर मामा हिंसी मधुमनीष्ये मधुजनीष्ये मधुभक्ष्यामि मधुबदिष्यामि मोर कथन मधुमय मोर चिंतन मधुमय मोर समस्त वस्तु शिवमय हो जाए। जेतेबेले केवल शिव शिव जतः प्रमुच्यते क्षिप्रम मंत्रो यम द्व्यक्षरम परः। ए होची दि अक्षर युक्त मंत्र शिव। ए होची शिव जे होचंती शक्ति युक्त होचंती नहले शक्ति विच्युत हो गले शिव से सब हो जिबे। तेणु सी होचंती शिव एवं जह शिवम शिव इत्येव द्व्यक्षरम मंत्रम अभ्यसेत एकाक्षरम वा सततम सजाति परमम पदम। जे यही दुई अक्षर विशिष्ट शिव मंत्र को जे सबुबले भजन करिथाय चंद्रशेखर 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 पाई माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। शिवंकर गोटे नाम हेउछि शंकर। सम माने मंगल। जे सम जे सबुबले मंगल करिथांति लोक शंकर समग्र जगतर जे लोक कल्याण करिथांति। आउ गोटे नाम हेउछि शंभु अर्थात शंभु माने संभवती अस्मात इति सम मंगलम अंक ठारु तांकरि ठारु केवल मंगल अमंगल तांकर नाही। तांकर कौनसी जेकोनसी व्यक्ति शिवंको प्रार्थना करिवो। तेणु कहा जाइछि शिवात परतरो नास्ति पूजनी ओ हिषद बिजाह। हे भक्त माने शिवंक ठारु आ परतर देवता अन्य देवता केही नाहंती। जे मुकास ततान दास च पंगबो जे जडास तथा बुक हेउ अंध हेउ पंगु हेउ जड़ हेउ समस्तंक पई से होचंती देवता। सेठी जाति भेद नाही। सेठी आचंडाल ब्राह्मण समस्ते समान। तेणु कह जाउची जाति हीनाश्च चंडाला स्वपचाह यंत जा अमी। जातिन चंडाल समस्ते शिवंकर होचंती भक्त। समस्तंक से आलिंगन करनी समस्तंक निजर करनी समस्तंक से स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद निज परिवार अंतर्भुक्त करदे था। शिव भक्ति परांग नित्यम ते जाती परमाम गतिम। तेणु से मैंने सही शिव शिवंक जो मैंने आराधना करती समस्ते से परम शांति से ही परम आनंद लाभ करिथांति। कारण शिव शिव होउचंती चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तेणु से ही शिवत्व परिकल्पना किभली प्रत्येक जीव निकटे आविर्भूत हो पार प्रत्येक जीवर बोध हो पार जे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यह हूँ उपनिषदर निर्यास शिवतत्वर निर्यास। तेणु समस्तंकर एथिपाई अभ्यास एथिपाई शिवंकर नामर जप एवं शिवंक निकटरे तांकर जो लिंग रूप शिव ताहा मध्य उपनिषद रे कुआ जाइछि जे लिंग रूप महादेव ह्यर्चयन्तो मुमुक्षुभिः ह्यर्चनीयो मुमुक्षुभिः। मुमुक्ष माने तांकर जो लिंग रूप रहिछि तांकर जो विभिन्न ज्योतिर्लिंग रुहंतु बा अन्य स्थान रे तांकर जो लिंग रूप रहिछि से लिंग रूप को जो माने अभिषेक करिथांति जलरे अभिषेक करंतु क्षीरें अभिषेक करंतु से माने जो माने करिथांति। शिवात परतरो नास्ति भुक्ति मुक्ति प्रदायक। मुमुक्ष जो मानंकर मृत्युर बंधन रु मुक्त होइकिरे परम शांति लाभ करिवा पई जो माने आग्रही से माने जेतेबेले सेही शिवंकु वंदना करिवे पूजा करिवे आराधना करिवे ताहले निश्चित भावरे से माने भुक्ति एवं मुक्ति पाइथांति अर्थात भोग पाइथांति से माने मोक्ष मध्य लाभ करिथांति। तेणु आसंतु जहांक द्वारा ये समग्र जगत परिव्याप्त होइछि विश्व ब्रह्मांड आमे जेऊ जेऊ कार्य करुछु से कार्य सबु शिवंकर उद्देश्य रे समर्पित बोली जहा शंकराचार्य कहिथिले आत्मात्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। हे भगवान शिव तुम्हें हौच मोर आत्मा ही हौच पार्वती। मोर आत्मात्वम गिरिजा मति तुम्हें हौच मोर आत्मा। गिरिजा हौचंती मोर मति
आत्मात्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम तुमर जेते प्रवत गण से होचंती मोर परिवार र सदस्य। आत्मात्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम ये शरीर होची तुमर घर पूजाते विषय उपभोग रचना जहा किछि मु लक्ष्मण रेखात भितरे रही संयमित भावरे धर्मानुमोदित काम जहा कामादि मु उपभोग करुचि विषय वासना रूप रस गंध स्पर्श मु उपभोग करुचि ये होचि से तुमरी करुणा तुमरी उद्देश्य रे ये होचि तुमको समर्पण मु करुचि। आत्मात्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति जो निद्रा रे जाउचि जो सोई पड़ुचि से होचि साष्टांग प्रणति समाधि रे मुरैकिर केवल तुमर चिंतन हम करुचि शिव 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 क्षंतव्यो मे पराध शिव 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 मे ये होचि शिव तुमे ही होच मते मोर किछि जदि अपराध रहिचि कर चरण कृतम बा कायजम कर्म जम बा श्रवण नयन जम बा मानसम बा अपराधम विहितम अविहितम बा सर्वमे तत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। एवं संचार पदयो प्रदक्षिण विधि जेकोसी कार्य मु संचरण करुचि हे प्रभु हे परम शिव मु तुमरी परिक्रमा मात्र करुचि। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो जहाँ मु वाक्य उच्चारण करुचि हे परम शिव हे सदानंदमय चिदानंदमय हे सत्य स्वरूप नित्य स्वरूप प्रभु भगवान शिव मु तुमरी उद्देश्य रे वाक्य प्रयोग करुचि ये तुमरी स्तोत्र ये तुमरी संगीत ये तुमरी गीत एवं तुमर प्रीति पाई यहाँ ही होचि मोर उपहार वाक्य पुष्प उपहार तेणु जज्जत कर्म करोमि तत्तदक्षिणम शंभो तबाराधनम मु जहाँ किछि करुचि मोर जहाँ कार्य हो मोर जहाँ चिंतन हो ये सब किछि प्रभु मु तुमरी निकटरे आज समर्पण करुचि। जहाँ गीतारे कह जाइछि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज तुम्हें समस्त जिनिष को छाड़ देकर निजर कार्य करिबा भितरे जदि सही परम आनंदमय शिव तत्व को तुम्हें स्मरण करुथिबो बा तांकर पदार बिंदरे जदि समस्त निजर सर्वस्व को समर्पण कर देथिबो ताहाले निजे जीव शिव रे परिणत हो जाए निजे महान आनंदर अधिकारी हो पारती तांकर मध्य जो समस्त बोध अशेष ज्ञानर से अधिकारी हो पारती नहि ज्ञानानी नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति ज्ञान सदृश पवित्रतम वस्तु किछि नाही किंतु जेपर्यंत भगवान शिवंकर करुणा बा आशीर्वाद न होइछि से पर्यंत अभ्यंतर रे स्थिबा सेहि दिव्य चेतनापूर्ण जो ज्ञान तार आविर्भाव घटि पारिब नाही। तेणु हे भक्तमंडली आसंतु आजर यही पवित्र दिवस रे आमे सेहि भगवान शिवंकु आराधना करिबा तांकु चिंतन करिबा एवं तांकर आशीर्वाद रे आमर अभ्यंतर रे जो शिव तत्व रुचि रहिछि जो आनंदमय चेतना दिव्य चेतना रहिछि शिवमय ज्ञान चेतना रहिछि तार परिप्रकाश हब आज उपनिषद रे शिव तत्व एतिकी पुणी आमे देखिबा अन्यान्य शास्त्र रे शिव तत्व किभली भावरे वर्णित होइछि एवं शिव तत्व को उपासना करी बड़ बड़ ऋषि महर्षि माने शंकराचार्य प्रभृति किभली भावरे ज्ञानर अधिकारी हेइ ए समाजर संस्कार पथरे बहु साहाज्य करिछंती से विषय रे आमे आगो को आलोचना करिबा आज पाइ एतिकी धन्यवाद नमस्कार।